अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर एंड स्पोर्ट्स फ्लोर में ऑफ कोर्स वी विल टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ किंगस्टन टेस्ट जिसका आज डे 2 है। पर उससे पहले बहुत सारे रूमर्स भी आ रहे हैं हु विल बी द न्यू पीसीबी चीफ। रमीज़ राजा का नाम ही हम सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर लेट्स सी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमें क्या बताएंगे। व्हाट्स द गॉसिप, व्हाट्स द डर्ट, व्हाट्स गोइंग ऑन और कौन है इस लिस्ट में उम्मीदवार और कौन है। बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट जिसका आज डे 2 है। एंड जस्ट लुकिंग एट हम जल्दी से आपको रैप अप करके बता दें कि भाई 212 for 4 दैट्स वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स और आज का सेकेंड डे का आगाज़ होगा। और पाकिस्तान शुड बी वेरी सेटिस्फाइड विद द स्कोर क्योंकि टॉस हार के वी वर 2 for 3 चौथे ओवर में और ऑफकोर्स अपने पैनिक अटैक हो गया था एंड एवरीवन थॉट कि क्या फुटबॉल मैच चल रहा है। बट अगेन टेस्ट क्रिकेट एट इट्स फाइनेस्ट, एवरी सेशन इज डिफरेंट एंड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ब्रिलियंट बाबर और फवाद आलम ने 158 रन बनाए फॉर द 4th विकेट। फवाद जो है वो रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं, सो वी माइट सी हिम टुडे, बट ऑफ कोर्स उसके लिए एक विकेट गिरना ज़रूरी होगी। और बाबर आजम जो है वो सेंचुरी नहीं बना सके, ही गॉट आउट फॉर 75। बट अमेजिंग कमबैक। तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे हाउ दे फील। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद यासैनी। हेलो याया, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा आपके पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो हम आपको जाके बताएंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। वी ऑल्सो हैव अ न्यू गेस्ट टुडे। हमारे साथ हैं जी जैन मकसूद साहब हु इज़ अ क्रिकेट एनालिस्ट। क्रिकेट के सिकंदर बख्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद। वाह, सो वी हैव अ गुड पैनल टुडे। बट इससे पहले मैं जैन साहब से बात करूँ, सिक्कू के पास स्टोरी है हाउ दे नो ईच अदर। तो क्विकली पता है सिक्कू, आप किस तरह जानते हैं जैन साहब को? जैन साहब के साथ मैंने एक दफा टेनिस बॉल से क्रिकेट खेली थी, तो ये मेरे साथ रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे थे तो इनकी फ्रैक्चर हो गया था पाँव में। और उनकी मिसेस ने फिर आपको डांटा था इस पे? हाँ, काफी डांट पड़ी थी क्या तुमने इसको भगा दिया। अच्छा ठीक है। बट जैन साहब जस्ट कमिंग टू यू, हम लोग टेस्ट मैच की बात करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी की यू नो। तो आई थिंक सबसे पहले हम लोग फवाद आलम और बाबर की बात करेंगे कि वो लोगों ने मतलब जिस तरह गेम चेंज किया, वी डिडंट एक्सपेक्ट एनी लेस फ्रॉम देम। तो बल्कि इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू सम पीपल, तो हम लोग का ये अपना था क्या कहते हैं कि इसका एक ही पैरेलल मिलता है मुझे तो पाकिस्तान की बैटिंग हिस्ट्री में, यानी कि जो कि बाहर के हमारे टूर्स होते हैं, जो जावेद मियांदाद और इमरान का रेयर गार्ड एक्शन था ऑस्ट्रेलिया में इन द सेकंड टेस्ट इन 89-90 की मैं आप बात कर रहा हूँ। मैंने तो एटलीस्ट 20-30 साल में, यानी कि आप बाहर सीरीज खेल रहे हैं, यू आर 3 down for next to nothing और एक वहाँ से फिर एक रेयर गार्ड एक्शन हो। इनक्रेडिबल, आई मीन देयर आर नो वर्ड्स दैट आई हैव कि भाई मैं इसकी तारीफ करूँ। एंड सिक्को आई थिंक वट सब कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बस एक सेंचुरी फ्रॉम बाबर वुड हैव बीन अमेजिंग, बट ठीक है, ही डिड हिज पार्ट, प्लेड 75, ही मेड 75। और अब फवाद आलम भी आपके पास हैं, सो यू नो ही माइट प्ले टुडे, तो वो एक आपके पास एक कंसोलेशन है। देखो पिच जो है सेटल्ड हो गई है, पहले जो शुरू के ओवर्स थे, बल्कि पहले ही ओवर जो है आप देख रहे थे कि थोड़ा सा गीला होने की वजह से गेंद में स्विंग था और वो थोड़ा सा अननेसेसरी किस्म का उसका लिफ्ट था, वो जैसे ही सेटल्ड हुआ है तो ये चीज़ें बिल्कुल सही हो गई। तो मेरे ख्याल से 300-350 रन काफ़ी सेफ हो जाएंगे। तो दोनों बहुत अच्छा खेले, मगर बाबर को 100 करने चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि बाबर एक जगह पे आके फंस जाते हैं, अपने 70-50 को 100 में नहीं कन्वर्ट करते। अब देखते हैं कि फवाद आलम को मुझे नहीं पता कितनी, इसलिए कि मैं इस वक्त अपर दीर में हूँ और मैं काफ़ी दूर हूँ कराची से, तो जितना मैंने पढ़ा इंटरनेट पर देखा कि वो आई होप कि वो ही कम बैक एंड बैट, तो देखते हैं अगर वो 100 कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर एक रिजवान है, रिजवान इज वेरी रिलायबल, तो उन्होंने उन्हें भी स्कोर करना चाहिए। बिल्कुल, यार जस्ट कमिंग टू यू, लेट मिडिल ऑर्डर पे अब डिपेंडेंसी हो गई है ना, उन लोगों को अपनी अपनी पार्टनरशिप अब ग्रो करनी पड़ेगी। फ़हीम और रिजवान है कि लेट्स सी कि वो लोग कहाँ लेके जाते हैं। कहते हैं उनको नेचुरल गेम खेलना पड़ेगा। 300-350 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। आपको पता है वेस्ट इंडीज़ इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर सकेगी। देखें फातिमा, जो आपको इब्तिदा में डैमेज हुआ, जिस तरह आबिद आउट हुए, अजहर आउट हुए और फिर उसके बाद इमरान बट एक और फेलियर, आई थिंक चौथी विकेट पर 158 रन की पार्टनरशिप। और दूसरी जो सबसे एक नेगेटिव चीज़ थी पाकिस्तान बैटिंग लाइन के नुक्ता नज़र से कि हम बहुत स्लो खेलें और सिर्फ 212 रन किए। ठीक है, जो अर्ली डैमेज आपको हुआ उसके तनाजुर में अच्छा रिकवरी हुई है, बट मेरा ख्याल है कि अब टीम मैनेजमेंट को, और रिजवान हो गए, फ़हीम अशरफ हो गए, आने वाले बैट्समैनों की अगर हम बात करते हैं, हसन अली अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, अब इनके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही इनिंग्स खेलनी है, 350 नहीं, आपको 400 बोर्ड पर लगाना है, क्योंकि आप 1 डाउन हैं सीरीज़ में, और आपको इस सीरीज़ को जीतने के लिए, याद रहे, ये टेस्ट मैच जीतना ज़रूरी है। और आप वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की बात कर रही हैं कि वो इतनी अच्छी नहीं है, वर्नरेबल है, जो उनके कप्तान ब्रेथवेट हैं, और वो बहुत अच्छी बैटिंग कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, पहले टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में सिर्फ 3 रन शॉट थे, सेंचुरी नहीं कर सके थे, तो आपको उनको जो है हल्का नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमने पहली इनिंग में ही रन करने हैं, यही आपका सर्वाइवल है। अदरवाइज़ वेस्ट इंडीज़ की टीम, जिस तरह सिकंदर बख्त साहब कह रहे हैं कि विकेट आपको सेटल डाउन होती हुई लग रही है, तो ये वेस्ट इंडीज़ के लिए अच्छी बात होगी, हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा भट्टी साहब, यकीन है जैसे याया भी कह रहे हैं, जमैका में ठीक है मुश्किल पिचेस है, मगर आप तो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आपको अपनी टेक्निक चेंज करनी है, आपको अडेप्ट करना है। आई थिंक अब बाकी सब लोग काफ़ी कंसर्न हो गए, आपकी टॉप 3 से एक बहुत बड़ी परेशानी बन गए हैं आपके लिए। फातिमा, अगर हमारे पास यही बेस्ट 3 हैं, फिर तो ठीक है कि हम इमरान बट को बार बार मौका दे रहे हैं, आबिद अली को खिला रहे हैं, अजहर अली पाकिस्तान के सीजन प्लेयर हैं, 6000 रन हैं, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ आप देखें वो हमेशा स्ट्रगल करते रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले एक साल में इंग्लैंड में शायद एक उनकी इनिंग्स थी, लेकिन मैच विनिंग नॉक्स बड़ी टीमों के खिलाफ अजहर अली ने कम खेले हैं। जब आप शान मसूद को एक सीरीज की परफॉर्मेंस पर बाहर कर रहे हैं, असद शफीक को आपने एक साल से बाहर बिठाया हुआ है, तो मेरे ख्याल में अब फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे पास इनसे बेहतर प्लेयर, एटलीस्ट ओपनर्स तो हमारे पास बेहतर मौजूद हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि बार बार इमरान बट को क्यों मौका दिया जा रहा है। आबिद अली की भी आप अगर परफॉर्मेंस देखें, उन्होंने छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया, बड़ी टीमों के खिलाफ जब भी आबिद अली खेले वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो मेरे ख्याल में आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे तो अब, हालांकि दिसंबर से पहले पाकिस्तान का कोई टेस्ट मैच नहीं है, लेकिन ये जो कल कहानी थी, ये कोई नई कहानी नहीं है। आप देखें पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। फवाद आलम स्कोर कर रहे हैं, बाबर आजम स्कोर कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान स्कोर कर रहे हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर अजहर अली ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक बड़ी इनिंग्स खेल दी, आबिद अली ने डबल सेंचुरी बना दी, लेकिन जब भी बड़ी टीमें आ रही हैं, हमारी जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद है, बट आलिया, आई विल टॉक टू यू राइट आफ्टर ब्रेक। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आई विल सी यू ऑन द स्पोर्ट्स फ्लोर जस्ट इन अ बिट, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक हम लोग डिस्कस करें किंगस्टन टेस्ट, जिसका आज डे 2 है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद है। आलिया, यू नो, आई डू वांट टू टॉक टू यू अबाउट के, यू नो, ऑफकोर्स हम जितनी तारीफ़ करें कम है, जो हम फवाद आलम और बाबर ने रिकवरी की, पर आपका टॉप ऑर्डर एक कंसर्न बन रहा है। आई थिंक अब तो लग रहा है पुरानी बातें हो गई हैं, बट आबिद अली जो हाई परफॉर्मेंस कैंप भी गए थे अपने थोड़े मसले मसाइल सही करने के लिए, यू नो, देन ऑफकोर्स वी टॉक अबाउट अजहर अली एज वेल। आलिया, 87 टेस्ट, ही इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू सेटल डाउन, तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना होगा, बिल्कुल करना होगा। एक चीज ध्यान में रखनी होगी फातिमा, कि जो बम्पी सड़क होती है ना, वहाँ पे बेकार टायर्स नहीं चलते। हमने कोई आइटम नंबर नहीं करवाने इनसे। अगर ये क्रिकेट नहीं खेल सकते, अगर ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, एक साहब आके 3 गेंदे खेलते हैं और ना इनका फुटवर्क और इनकी टेक्निक एडजस्ट नहीं हो पाती। इमरान बट साहब का 6ठा टेस्ट है, एक 91 उनका निकाल दें आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो पीछे क्या बचता है। अजहर अली पे तो बात करने से खुद शर्मिंदगी होती है, क्योंकि इतने सीनियर प्लेयर हैं और उसके बावजूद अगर उसी तरह ही आउट हुए चले जा रहे हैं, तो फिर बंदा क्या कह सकता है। सवाल इसके मुझे नहीं समझ में आती कि ये अजहर को ओपन करने और सऊद शकील को इन्होंने मिडिल ऑर्डर में क्यों नहीं डाला। यहाँ बहुत अच्छा चांस था। क्या हम इस चीज़ की प्राइस पे करते रहेंगे कि चूंकि मिसबा को ये पसंद है, या मिसबा की आंख ये कह रही है, तो चाहे वो कितने भी नालायक लोग निकल रहे हो, आपके पास पीछे अच्छे प्लेयर्स बैठे हैं। अगर नहीं होते तो हम कहते चलो यार मजबूरी है, वेस्ट इंडीज में गए, अब कहाँ से भेजें। लेकिन आपके पास सऊद शकील बैठा है, जिसको टेस्ट खेलना उसका हक है इस वक्त, ये राइट एज और स्टेज है उसके लिए, और आपको नजर आ रहा है, और आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अजहर को ओपन करवा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद आपने ये नहीं किया। तो ये मतलब बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। ये शुक्र है अल्लाह का कि बाबर आजम ने और फवाद आलम ने जो 158 की एश्योर्ड और कॉम्पैक्ट इनिंग्स खेली, उससे हमारी जो है वो इज्जत रह गई। लेकिन 212 मैं समझती हूँ एक बहुत आइडियल चांस है कि हमारे पास, कि हमने टॉस हारा और हम इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वक्त अगर हम बड़ा टारगेट लगा दें तो पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन में आ सकता है। जिसमें में रखें कि पिच जो है वो कंफर्टेबल भी हो रही है और उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी होगी, ज़ाहिर है उनका होम ग्राउंड भी है। तो ये सारी सिचुएशन को हमें जहन में रखना होगा। ठीक है आलिया, एंड यू नो विल रैप अप द किंग्स्टन टेस्ट एंड या सब गॉसिप तो अब आपके पास होते हैं, चले आ जाए जल्दी से मेरा कप ऑफ टी जो है कि भाई कौन चाय पिएगा न्यू ऑफिस में। आप यू नो एहसान मानी की जो बातें आ रही हैं कि ही विल नॉट, उनको नहीं एक्सटेंशन दी जाएगी, एक ही नाम सामने आ रहा है रमीज़ राजा का। सो व्हाट्स कुकिंग, क्या हो रहा है? जी फातिमा, माजी में हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े सरबरा देखे और एजाज़ बट साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा रहे 2009 से 2011 के अरसे में, और अब रमीज़ राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल कैंडिडेट हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के फॉर्मर कैप्टन हैं, क्रिकेटर हैं, और वो ड्राइविंग सीट पर आने के लिए जो है इस वक्त पावरफुल कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं। और जब से ये खबर सामने आई है बड़ा मिला जुला सा एक रद्द अमल है और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वेलकम किया है। अब देखना यह है कि रमीज़ राजा अगर ड्राइविंग सीट पर आते हैं, हम पड़ोसी मुल्क में अगर देखें कोई और कैंडिडेट नहीं है। देखें जो दूसरे कैंडिडेट हैं, जो दो लोग चेंज होने हैं, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन और उनके साथ असद अली खान साहब, दूसरा जो भी नाम आएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो चेयरमैन के लिए कैंडिडेट होगा। हाँ, एक चीज़ मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो जितने भी लोगों से मेरी बात हुई उनका कहना यह है कि जी ये ड्राइविंग सीट तो नहीं होगी, पावर यहाँ पर नहीं होगी, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन रमीज़ राजा जो है माजी में कॉमेंट्री करते रहे। मैं तमाम चीज़ों को पीछे रख रहा हूँ, चेयरमैन से ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट के पास किसी के पास पावर नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि रमीज़ राजा इस जगह पर जो है अपने आप को एब्सोल्युटली माय वोट इज़ फॉर हिम। ठीक है, यही आपका भी वोट है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोच खत्म करिए, रैप अप करिए, हम लोग उसके बीच में बात करेंगे। वेल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट द स्पोर्ट्स फ्लोर। हम आपको मिलेंगे कल, लेट्स सी कि आज डे 2 किस तरह चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।